और जो बोलता है ना भाई, हम लोग रोल नहीं करते, दैट्स फॉर फकिंग रोल। तो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय स्कैनर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एक और एक ट्रिप होने वाली है हम लोग की, और अभी बेसिकली मैं हूँ सैंडर्स रोड पे, और आज लोकल से जाने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत ही सारे दोस्त लोग हैं। तो हमारे पास एक पुलिस वाले हैं जो ट्रेनिंग के बहाने ये ट्रिप पर आए हैं चोरी छुपे, और हमारे पास एक चोर भी है। तो हमारी ये ट्रिप पे अमान भी है साथ में, इसको आपने रमजान के दूसरे रमजान के ब्लॉग में देखे होंगे, और उसके बाद अभी आया। तो हम लोग लोकल में आ चुके हैं, और लोकल में भी ब्लॉग हो रहा है यहाँ पर, और तुम नजारे एंजॉय करो। और हमारे दो पीछे छपरी लटक रहे, देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं, अश्लील है ये लड़के, देखो कैसी छपरी उल्टा उल्टा खा के धूप के पीछे लोग होता। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? ना करे ना करने दे। तुमने आप लोगों को बताया नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। जी हाँ, हम लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। लास्ट अपुन जब गए थे तब शायद मैं देवकुंड गया था, उसके बाद नहीं गया। तो इस बार, और ये मेनली इस बार अपने साथ सब दोस्त लोग हैं, सब आर्टिस्ट लोग अपने साथ। तो फाइनली हम लोग खारघर पहुंच चुके हैं, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है खारघर पे यहाँ पे, और अभी देखते हैं, अभी रिक्शा लेना है, रिक्शा लेने के बाद वो जगह पर जाएंगे और रील्स फोटो सब बनेगी, तुम देखना। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो फाइनली हम लोग लोकेशन पे आ चुके, और भाई मेरे पीछे लोकेशन तुम लोग देख सकते हो। तो हम लोगों को वहाँ पर जाना है, तुम लोग देख सकते हो कैमरा, हाँ वहीं पर जाना है एग्जैक्टली, और भाई तुम लोग नज़ारे देख सकते हो। Later. तो भाई कॉप्स आ चुके हैं, और हम लोग को जाने नहीं दे रहे, और हम लोग कॉप्स से छुप के बैठे यहाँ पर। अब देखो क्या हो, हम लोग सब लोग छुपे पड़े यहाँ पे, बहुत बदतर फील है। हाँ भाई, तुम लोग स्ट्रगल देख रहे हो, कैसा कैसा छुपके से जाना पड़ रहा है। भाई मैं तो फंस गया, हाँ निकल गया तुम्हारा भाई, निकल गया। और भाई तुम लोग व्यू देख सकते हो यहाँ पे, चलो भाई। और ये दो पीछे ना व्लॉगर है, नवे नवे व्लॉगर आ चुके हैं भाई, समझ रहे हो तुम, नवे नवे व्लॉगर। एक तो अपने पास क्या है, अपने पास गोप्रो, अपने को क्या प्रोफेशनल टिक भाई, मतलब ये बंदा अभी खारघर में रहने वाला है, अपना एरिया छोड़ के खारघर में रहेगा। लेकिन एज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब मैंने जैसे देखा होगा भाई, खारघर स्टेशन से लेके मेट्रो हर चीज़, और मतलब क्या क्या खुली जगह है, ग्रीनरी इतनी सारी, ला भाई बहुत सही जगह पे रहने वाला है। और तुम लोकेशन इसके घर से ठीक थोड़ी दूरी पर, कितना दूरी है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर, बस 2-3 किलोमीटर पर तुमको अगर ऐसा व्यू मिले तो यार हर संडे इंसान यहीं पे आएगा यार मचाने के लिए, तुम लोग समझो, पार्टीज कुछ भी करने के लिए।
तो ये हमारा बहुत ही खास दोस्त है कॉनन भाई। बता कैसा अपने को जाना है भाई? कुछ भी करके जाना है ठीक है, हम लोग घिर के जाएंगे, डूब के जाएंगे, पुलिस वाला कोई भी आए। हमारी भी चालू हुई है। हाँ कम ऑन, चलो बेटा। हाँ मेरा घोड़ा। हाँ गिरना नहीं बेटा, गिरना नहीं। तो पहली वाटर क्रॉसिंग और तुम्हारा भाई शिट मैन, और हमारे जूते इतने अच्छे स्केचर्स वाले डूब चुके हैं इसके। फक ब्रो भाई 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 भाई, अरे वापस क्यों गया भाई भाई भाई। एंड मैन वी क्रॉस्ड इट दिस शिट मैन, ये मैं लेता हूं उसको मैं। और तुम लोग ये नदी देख सकते हो, ये पूरा पानी वो हमारे जहाँ झरने जा रहे हैं वहाँ से आ रहा है। तो तुम्हारे भाई ने कपड़े चेंज करके यू नो बाइसेप्स वगैरह ये शर्ट पे आ गया, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी पिक्स आती है। We only need the two of us together. We only need the two of us together. तो भाई यहाँ पे इतनी शूटिंग है ना भाई, इतने मतलब फोटोग्राफी के लिए ऐसी ऐसी जगह है, मतलब ऐसा तुम्हारे को लगेगा मैं साल भर का फोटो खिंचा रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब एंड व्यू है, एंड वो देख रहा हूँ बहुत ही नज़ारे यार, तुम लोग देख सकते हो और क्या ही नज़ारे है यार वहाँ। मतलब वो वाटरफॉल पे जो धूप आ रही है ना वो एंड है, एंड है भाई, एंड है। असली नेचर यहाँ ही दिखेगा मतलब। ये हुई ना बात। और ट्रैकिंग करते ही जा रहे भाई, और फोटोशूट तो यार साल भर के लिए समझ लो इंस्टाग्राम पूरा हैंग होने वाला है। रील्स भी बन रही है, रील्स जब वो प्रॉपर जगह पर पहुंचेंगे तब रील्स बनाने वाला हूँ। और भाई ये वाटरफॉल का एक यही मसला है कि ना यहाँ पर पानी तो साफ रहता है लेकिन जो स्टोन्स रहते हैं ना वो पैर में बहुत गंदा चुभते भाई, और कैसे कैसे स्टोन से गुजरना पड़ता है आप देख सकते हो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, फाइनली। तुम लोग नजारे देख सकते हो भाई, क्या ही नजारे है यहाँ पे। अब वहाँ पे रील बनेगी, फोटो बनेगी, बहुत सारी चीजें होगी, मजे करो। सबकी हालत खराब हो गई है भाई एक्सट्रीमली, और वाटरफॉल बहुत ही इधर है, और भाई मैं पूरा रेड हो चुका हूँ, तुम लोग देख सकते हो पूरा रेड, और इतनी मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पे, और पूरे जंगल के अंदर हम लोग भाई, और यही रहा हमारे सामने बस इतना ही, और हम पहुँच जाएंगे फाइनली जो हमारा वाटरफॉल है। तो भाई फाइनली वाटरफॉल के पास आ चुके हैं, और पूरे पहाड़ चढ़ने के आने के बाद अभी भी लोग चढ़ रहे हैं यार, इतना डिफिकल्ट ट्रैक, मेरा देख लो पूरा लाल हो गया मैं यार। अभी चिल करेंगे, नहाएंगे, अभी ब्लॉग नहीं, उतरते हुए ब्लॉग करते हैं। सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंसान हमारा भाई को कहाँ कहाँ चोटें आई आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ चोटें आई भाई बताओ ज़रा, एक यहाँ पर
और एक वहाँ पर ऐसा लग रहा है जेली निकल रही है। और आपको कैसा लग रहा है आकर? जिंदगी बर्बाद वाली फीलिंग आ रही है लेकिन मजा आई। शॉर्ट हो गया जाते हुए हम लोग एडवेंचर रास्ते पर, जैसे तुम लोगों ने देखे कैसा कैसा एडवेंचर रास्ता था, ठीक है। अब आने के टाइम हम लोग को एक बंदा मिल गया, उसने बोला कि ये साइड से जाओ और इजी हो जाएगा। और हम लोग समझो ना, अभी समझ लो कितना 20 मिनट भी नहीं लगे होगी हम लोग को वहाँ से यहाँ आने में, सिर्फ 20 मिनट लगी है। और भाई तुम्हारा भाई फुल डेड हो चुका, फुल एग्जॉस्ट, और अब जितना नहाए तो उतनी गर्मी नहीं कर दी यहाँ पे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पर, और मैं जैसा बोला कि बहुत ही इजी आना, बहुत इजी था, जाना थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि हम लोग गलत रास्ता ले रहे थे, बहुत कॉप्स आ गए थे। और अगर वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब।